जो डिक्लेयर किया था आज उसमें हमारे को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा हमारे जो पूरे देश के कोने कोने तो जथेबंदियों के प्रधान पहुंचे ने और वहां पर एक बहुत ही वधिया माहौल दे विच एक मीटिंग हुई है जिदे विच असी जिहड़ी आ अडाक कमेटी बनाई है जिदे चेयरमैन साडे सूबेदार मेजर राठौर साहब जी को बनाया। उसके बाद जो भी पूरी मीटिंग की डिटेल है हमारे एडवोकेट साहब दसणगे पत्रकार साहब दसणगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबके साथ में ये न्यूज साझा करते हुए कि हमारा एक सपना एक हमारा एक प्लान आज एग्जीक्यूट हुआ। 100 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे मौजूद थे और करीब 100 से ज़्यादा लोगों का सोशल मीडिया से ईमेल से हमको समर्थन मिला और उन्होंने अपने नाम भी भेजे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक एडहॉक कमेटी का गठन किया गया और उस एडहॉक कमेटी के जो अध्यक्ष जो चेयरमैन बनाए गए वो हमारे अर्जुन सिंह राठौर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी आज ली। बड़े कर्मठ और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं वो, इस जिम्मेवारी को उन्होंने लिया और उनकी अध्यक्षता में मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छा ऑल ओवर इंडिया का इंडिया लेवल का जिसमें हर स्टेट के हर जिले के हर एसोसिएशंस को उनके विचारों को और उनके नुमाइंदों को लेकर के उनकी सभी की सहभागिता रहेगी और एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी जो दिल्ली में रहेगी। सरकार को या आर्मी को या किसी भी संस्था को जो भी कोई हमारी डिमांड्स जवानों की जाएंगी, और ये मैं एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ, ये एक्सक्लूसिवली जवान और जेसीओज की संस्था है। कोई भी ऑफिसर लेवल का अधिकारी या कोई ऑफिसर किसी संस्था का या हमारी स्कॉर्डिनेशन कमेटी का कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा, मेंबर भी नहीं होगा। ये जवानों की जो आवाज है, जवानों की जो डिमांड है, इसको हम मजबूती से रख सकें और सरकार हमारी बातों को सुने। सरकार जो जनरली कमेटियों को जो गठन करती है वो जनरली कमेटी बना देती है, कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं, फिर वो बात घूम के आ जाती है जवानों का जो अधिकार होता है, जवानों की जो डिमांड होती है मांग होती है वो फिर नीचे दब जाती है। तो ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये इस बात पे जोर देगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जब हम अपनी मांग पत्र सरकार के पास पहुंचाएंगे जो भी हम आंदोलन करेंगे वो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक रहेगा, कहीं कुछ उसमें कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा, संविधान के अनुसार रहेगा। और फिर उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कमेटी बने, जो जनरल हमारा ट्रेडिशन है, उसमें केवल एंड केवल सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हों और उनको जो इनपुट्स दें, उनको जो भी हम सप्लाई करें वो केवल जवान अपनी मांगों को सप्लाई करें, अपनी मांगों को रखें, ना कि उसमें ऑफिसर्स रहें। किसी भी कीमत पर अगर ऐसी कोई कमेटी बनाएगी गवर्नमेंट तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अब जो भी कदम उठाए जाएंगे वहां कहीं भी भेदभाव ना हो। जो भेदभाव एक वन रैंक वन पेंशन ही केवल भेदभाव नहीं है, सेना में जो शोषण हो रहा है, बटमैन प्रथा है, इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे वो एमएसपी का है, डिसेबिलिटी है, विडो पेंशन है और बहुत सी चीजें हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये दबाव बिल्कुल बनाया जाएगा कि इसका परमानेंटली अंत हो। इस संदर्भ में आज ये जो एडहॉक कमेटी गठन किया गया है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ये कमेटी देगी और बहुत ही सुनियोजित ढंग से ये कार्य करेगी। थैंक यू। ये तो सर्वविदित है कि अधिसंख्य पूर्व सैनिकों के साथ में बहुत लंबे समय से शोषण चल रहा है और वो भी एक प्लैंड वे के अंदर, ऐसा नहीं कि अनजाने में हुआ जा रहा है। जनता से टैक्स के रूप में इकट्ठा किया गया पैसा सरकारी खजाने के थ्रू जो भी पूर्व सैनिक वेलफेयर के लिए निकला वो तो पैसा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उस पैसे का जो निर्धारण होता है, उसका जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि वो किसके जेब में जाना चाहिए, वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा। उसका मुख्य कारण ये रहा कि जितने भी पूर्व सैनिकों की रिप्रेजेंटेशन रही और जो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जाकर के बैठे सरकार के सामने, वो टोटली ही सेना के रिटायर्ड अधिकारी रहे और उन लोगों ने सिर्फ 3% अधिकारी पूर्व सैनिकों का ही कल्याण सोचा, बाकी 97% के हिस्से में कुछ भी नहीं आया।
वंदना एकमत पेंशन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। डिसेबिलिटी पेंशन भी विषमताएं इसका उदाहरण है। वंदना एकमत पेंशन मिला, लेकिन जो मिलना चाहे था वो हमें नहीं मिला। दूसरा, वंदना एकमत पेंशन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए था, जिसको दूसरे लोग ले गए। अब तो उसका नाम भी कहते हैं कि ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन। डेफिनेटली वन रैंक वन पेंशन के पर्दे की आड़ के अंदर वो जो है ऑफिसर के लिए ही सारा कुछ ले लिया गया। कैसे कहेंगे कि सिर्फ ऑफिसर के लिए वन रैंक वन, इसका हम जो है गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारे सामने बैठे, उसका बिल्कुल फर्स्ट क्लास एनालिसिस करके उनको हम बिल्कुल 100% सेटिस्फाई करेंगे कि वास्तव में ये जो पैसा निकला है जिसके लिए हमने दिया था उनको नहीं पहुंचा, बल्कि जो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर गए थे वो लेकर के इसको भाग गए। मैं आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन बताता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन जो फर्स्ट टाइम दिया गया उसके अंदर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर को मात्र 2.5% से लेकर 14-15% तक हासिल हुआ, और ऑफिसर कैडर को 28% से लेकर 32% का इजाफा हुआ उसके अंदर। आज तक आजाद भारत के अंदर किसी पे कमीशन ने भी राइज नहीं दिया था किसी भी कर्मचारी वर्ग को, जितना कि इन 3% ऑफिसर्स ने हथिया लिया वो सारा का सारा पैसा। तो आप किसी भी स्टेज पर ये नहीं कह सकते कि वंदना एकमत पेंशन हमारे को दे दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई है। इसके लिए बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अन्याय का कारण मैंने आपको बता दिया है। और अब पूर्व सैनिक जो है इस चीज़ से ऊब चुके हैं बुरी तरीके से कि कब तक शोषण करवा करके हम मूक दर्शक बन के बैठे रहे। इसी की लड़ाई के अंदर, संघर्ष के रूप के अंदर हमारी विभिन्न संस्थाएँ लगी हुई थी, जिसके अंदर शाहपा सैनिक संघर्ष कमेटी का बहुत बड़ा अहम रोल है। और अब ये महसूस किया जा रहा था कि सरकार चूंकि ध्यान नहीं दे रही है, इतने दिनों से आज 49 डेज हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जो तक नहीं रेंग रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शायद वहाँ पर भी वो किसी न किसी गलतफहमी के शिकार हैं कि शायद जो 3% लोग हमको फीडबैक दे रहे शायद सही होगा, ये लोग गलत हैं। हम आज भी कहते हैं सरकार के नुमाइंदे पर साथ में बैठे, तथ्य उनके सामने हम रखेंगे और उनको ये 100% स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमारे वर्ग के साथ में शोषण हो गया, और रुपए के नाम पे हमने जिसके लिए फंड्स जो अलॉट करे गए थे उसको दूसरे लोग ले भागे। अब जो है ये जो धरने को आज तक दिन हो गया उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें मजबूर होकर के इसको और एनलार्ज करने का बाध्य होना पड़ा है। पार्डन, 2800 दिन से कुछ से उधर भी धरना चल रहा है। अरे साहब, वो धरने वाले तो खा पी गए। अच्छा, वो तो खा पी गए, बहुत कुछ खा पी गए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, उन धरने वालों का भी मैं आपको बता दूं, 4 या 5 दिन पहले का उनकी तरफ से एक पोस्ट है, आज तक की किसी भी चार्टर डिमांड के अंदर जेशो जवान का एक सिंगल डिमांड नहीं था, और आज वो गड़िया ले आंसू बहा रहे हैं कि मेरे सिपाही को ये नहीं मिला और मेरी वीर नारी को ये नहीं मिला। भूषाल साहब, अब जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का रोल क्या रहेगा, क्या एडवाइजर बॉडी बन जाएगी, क्योंकि अब तो आपने फेडरेशन का गठन कर दिया, चाहे एडहॉक ही सही फेडरेशन काम संभालेगी, तो जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो इसकी बीज है, जो इसको आंदोलन की बीज मूल में है, अब उसका रोल का क्या रहेगा, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो संघर्ष किसी भी एक कमेटी का संघर्ष नहीं है, हमारे को जो हमने 20 फरवरी को दिया धरना प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था, और उसका हमारा कला साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का निर्णय नहीं था, पूरे देश की जथेबंदियों ने हमारे पर विश्वास किया, हमारे को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तब हमने जो ये कोर्स ऑफ एक्शन लिखा, उसके बाद जो भी हमारा सहयोग मिला पूरे देश की जथेबंदियों ने हमारे को समर्थन दिया साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, लेकिन अभी हमने इस चीज की महसूस किया कि अभी हमारे को इसको संघर्ष को इनलार्ज करना पड़ेगा, इसलिए हमने जो है हमारा रोल रहेगा, हम यहाँ से भागे नहीं, जैसे कि दुष्प्रचार हो रहा है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी भाग रही है, नहीं, हमने एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो हमारा पहले से हमारे मन की जो मंशा थी कि हम 2018 से हमने शुरू किया हुआ था एक्शन, हमारे एडवोकेट साहब ने जो पहले से हमारी प्लानिंग था, लेकिन अभी वो हमारी प्लानिंग हमारी जड़ी उसको भूल पड़ा, तो हमने आज जो एडहॉक कमेटी बनाई है, उसके बाद जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बराबर रोल रहेगा जो पहले था, जैसे ही हमारे को जो संदेश मिलेगा साझा कमेटी तो हम इनका समर्थन देते रहेंगे, टिल जब तक हमारी कमेटी नहीं बन जाती, गठन मतलब सुचारू रूप दे शुरू नहीं कर देती अपना, तब तक हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जहां पर डटी रहेगी, और पूरा पैसे पैसे का हिसाब किताब हम जो है यहां से दे के जाएंगे, जाएंगे नहीं, इनके समर्थन में रहेंगे, जैसे भी जो हमारे क्वार्टर मिलेगा तन मन धन से इनका साथ देते रहेंगे। खाली एक ही संस्था चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑल इंडिया पे चल रहा था, और अभी पिछले 3 तारीख को
इसका पूरा एक एग्जाम्पल सामने सेट हुआ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट इवन ब्लॉक और तहसील लेवल के ऊपर भी तमाम पूर्व सैनिक संगठन जिनके अंदर जैश व जवान ही है केवल, उन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन रैली के रूप में जाकर के अपने अपने कलेक्टर जिलाधीश के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के नाम पर ज्ञापन हमने भेजा है। शायद सरकार अब इतनी तो अंधी बैरी गूंगी नहीं है कि उनको ये नहीं पता चला होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूर्व सैनिक उठ खड़े हुए अपनी मांगों के लिए। उसी चीज़ को और विस्तृत रूप देने के लिए और एनलार्ज स्केल के ऊपर हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके लिए आज एक जॉइंट प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है और इसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों का इसके अंदर प्रतिनिधित्व होगा और जितनी भी संस्थाएं आज जो हमने डिसीजन लिया, मीटिंग लिया, उसके अंदर कम से कम 200 संस्थाओं ने इस प्लेटफॉर्म को समर्थन दिया है और निकट भविष्य के अंदर जैसे ही ये सुचारू रूप से इसका काम दिखाई देने लगेगा, दूसरी संस्थाएं बची कुची हैं वो भी हमारे साथ आने के लिए मजबूर होंगी, एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी ड्यू डिमांड्स को फुलफिल करे हर हालत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।